गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड, वेलकम टू EBS ऑनलाइन क्लासेस। सो हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो क्लास टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आवर चैप्टर 11, आवर नेबरहुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन फैक्ट पीपल लिव इन कॉलोनीज, ब्लॉक्स एंड एनक्लेव्स विच कंसिस्ट ऑफ हंड्रेड ऑफ हाउसेज। ठीक है, जैसा आप सबको पता है, लोग कॉलोनीज में, ब्लॉक्स में, एनक्लेव में रहते हैं और इन सब में कम से कम 100 हाउसेज तो होते ही हैं। इट इज़ द एरिया अराउंड अवर हाउस एंड मेक अप अवर नेबरहुड। और ये सारा एरिया जो हमारे घर के चारों ओर होता है वो क्या बनाता है? मिलकर नेबरहुड बनाता है। द पीपल हु लिव नियर अवर हाउस आर कॉल्ड अवर नेबर्स। द पीपल, जो लोग हमारे, पीपल हु लिव नियर हाउस, हमारे घर के पास रहते हैं, आर कॉल्ड अवर नेबर्स, इनको हम नेबर्स कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। लेट अस नो अबाउट मानुजास फ्रेंड एंड देयर फैमिलीज। तो मानुजास के फ्रेंड्स और फैमिलीज के बारे में जानते हैं। मीट प्रियास फैमिली। प्रिया इज मानुजास फ्रेंड। प्रिया, ये प्रिया की फैमिली है और जो प्रिया है वो मानुजा की फ्रेंड है। शी लिव्स इन अ स्मॉल फैमिली विद हर पेरेंट्स एंड ब्रदर ऑन द अदर साइड ऑफ माई हाउस। वो हमारे घर की, यानी कि मानुजा बता रही है कि वो स्मॉल फैमिली में रहती है, उसके पेरेंट्स हैं और उसका एक छोटा भाई है और वो मेरे घर के साइड में ही रहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। तानु लिव नेक्स्ट टू प्रिया हाउस। शी हैज़ ए स्मॉल फैमिली, शी लिव्स विद हर पेरेंट्स, सिस्टर एंड ब्रदर। तानु जो है वो प्रिया के अगले घर में रहती है, वो भी एक स्मॉल फैमिली में रहती है, वो अपने पेरेंट्स, सिस्टर और ब्रदर के साथ रहती है। ठीक है, ये है तानुज फैमिली। आगे देखिए। मीट माई फ्रेंड कपिल्स फैमिली। मेरे दोस्त कपिल की फैमिली से मिलिए। ही लिव्स इन अ जॉइंट फैमिली, वो जॉइंट फैमिली में रहता है। इट कंसिस्ट ऑफ हिज पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट एंड कज़िन। और उसकी जॉइंट फैमिली में उसके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट और कज़िन सभी रहते हैं। दे लिव नेक्स्ट टू तानुज हाउस। और तानुज के नेक्स्ट घर कपिल का ही है। दे आर गुड पीपल एंड हेल्प वन अनोदर इन नीड। वो सभी बहुत अच्छे हैं और आपस में मदद होने, हेल्प, आपस में ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। वी गो आउट फॉर पिकनिक टुगेदर। हम सभी पिकनिक के लिए एक साथ जाते हैं। हेल्प वन अनोदर व्हेन समवन इज इल। एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब कोई बीमार हो जाता है। सेलिब्रेट फेस्टिवल्स टुगेदर एंड एन्जॉय अ लॉट। कोई फेस्टिवल होता है उसको हम एक साथ मिलकर मनाते हैं और एन्जॉय करते हैं। टू बी अ गुड नेबर फॉलो दीज गोल्डन रूल्स। एक अच्छा नेबर बनने के लिए इन गोल्डन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। शुड शो रेस्पेक्ट एंड बी काइंड टू देम। सभी का रेस्पेक्ट करना चाहिए, सभी का सम्मान करना चाहिए, सभी के लिए काइंडनेस रखनी चाहिए, दयालुता रखनी चाहिए। नेवर डिस्टर्ब योर नेबर्स विथ योर एक्टिविटीज़। अपनी एक्टिविटीज़ से नेबर्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। Always assist your elders living in your neighborhood by doing small jobs such as carrying things, sitting and talking to them. Always assist your elders living in your neighborhood. ठीक है, सभी जो elders आपके neighborhood में रहते हैं उनका ध्यान रखना चाहिए by doing small jobs. उनका कुछ काम कर देना चाहिए, such as carrying things. उनका सामान लेकर जाना चाहिए, sitting and talking to them. उनसे बातें करनी चाहिए। क्लियर है सबको सेकंड क्लास? तो यहाँ पर जो अपना चैप्टर 11 था अवर नेबरहुड वो कंप्लीट होता है। इसके साथ इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं आपको PDF कर दिए जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ।